हमारा नया टेबल। बाहर तूफान आ रहा है, बहुत जोरों से तूफान आ रहा है। ओ भाई साहब, ये फिसल जाएगा। वेलकम टू टेक्निक्स व्लॉग्स। तो गाइस फाइनली मेरे एग्जाम खत्म हो गया और गाइस आज मेरे को मन है डोसा बनाने का, और गाइस इसलिए मैं सोची कि आज शूट कर लेती हूँ व्लॉग। अच्छा, कि प्रेम का एग्जाम चल रहा है तो इसलिए आप लोग फिर भी कंटिन्यूस नहीं डाल रहे। आफ्टर प्रेम का एग्जाम हम लोग व्लॉग्स कंटिन्यूस डालेंगे। आप सभी जो इतना दिन के लिए नहीं डाल पा रहे उसके लिए आप थोड़ा वेट करिएगा गाइस। और गाइस आज का जो मौसम है बहुत ही रेनी सीजन चल रहा है, अभी बहुत ही बारिश आ रहा था, ऐसा हो रहा था। तो आज थोड़ा ठंड ठंडा भी है इसलिए आज थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है आज घर में। देखिए मैंने कड़ी पत्ता भी लेकर आया था, कड़ी पत्ता बिना तो डोसा का कोई वो है ही नहीं। और फिर देखिए ये रहा धनिया पत्ता जिसका मैं ग्रीन कोकोनट चटनी बनाऊंगी। ये रहा कैरेट जो कि डलेगा आपका उसके अंदर, क्या बोलते हैं, सांभर के अंदर। और इसके अंदर आलू बॉइल किया हुआ है। और ये रहा हमारा दाल जिससे हम लोग सांभर बनाएंगे। और ये रहा स्प्रिंग आने जिसके मम्मी अलग सब्जी बना रही है और मैं भी थोड़ा बहुत आलू में डाल दूंगी इसको। तो गाइस हमारा इतना प्रिपरेशन हो चुका है और अभी हम लोग और ज्यादा अच्छे से अभी हम लोग सुबह सुबह बना लेंगे क्योंकि सुबह ही जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और अभी का टाइम देखिए 7:30 हो रहा है। तो गाइस ये देखिए मेरा बन चुका है, ये तीनों चटनी और सांभर। ये देखिए ये है काला चटनी, ये है कोकोनट चटनी और ये है ग्रीन कोकोनट चटनी जिसमें कोरिएंडर है। देखिए ऑरेंज व्हाइट ग्रीन हमने इंडिया का ट्राइकलर भी बन गया ऐसे। और ये रहा हमारा सांभर जिसका सांभर पाउडर भी मैंने घर में ही बनाया है। हाँ हाँ देखिए क्या टेस्टी लग रहा है आज एकदम, आज तो अच्छा ही बना है हमसे। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? तो गाइस अभी एक बजने वाला और हम लोग का प्रिपरेशन अभी खत्म हुआ है डोसा का। और इसलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो। क्योंकि मैं हाल ही में मास्टर शेफ देख रही थी तो थोड़ा और ज्यादा इंस्पायर हो गए, तो सोचा थोड़ा डेकोरेशन भी कर लो। ज्यादा अच्छा डेकोरेशन नहीं किया तो आप बोलने लग जाएंगे कि क्या डेकोरेशन किया, ऐसे बोल रहे हो, बस ऐसे थोड़ा कर लिया। आ जाइए चलते। तो मेरा सभी ये देखिए ये है सांबर। अच्छा, जो मैंने इस बार अलग स्टाइल में बनाया है इसको। मैंने सांबर पाउडर भी मैंने घर पे बनाया, फिर इसको बनाया, फिर इसका बैक पेस्ट बनाया। और गाइस ये काला चटनी है, ये कोकोनट चटनी, ये ग्रीन चटनी, फिर ये और एक्स्ट्रा बच गया था तो वो भी मैंने बनाया। और फिर गाइस ये है बीटरूट, इसमें मैंने फिर अनियन भी डाले। कोई कोई को अगर बीटरूट वाला अनियन खाना तो वो भी खा सकता है। फिर मम्मी को जोश चढ़ा था, मम्मी मेरे भी ग्रीन चटनी बना लिया। और कैसा लगा प्रेम तुमको मेरा खाना? पहली बार इतना अच्छे से तारीफ किया है मेरा। ये देखिए गाइस ये मेरा डोसा आ चुका है, टंटड़ा। अभी मैं इसको पेट भर के खाऊंगी। A few moments later. हम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली टेबल जोड़ने का, लेकिन हम लोग से टेबल जुड़ ही नहीं रहे। तो हम लोगों ने कारपेंटर को बुला लिया है, वो एक दो दिन में आ जाएगा और अपने आप जोड़ देगा। 3 hours later. भाई साहब बाहर तूफान आ रहा है, बहुत जोरों से तूफान आ रहा है। ओ भाई साहब, अबे हमने किया है। तो दोस्तों अभी गेट खोल के देखते हैं कितनी जोर से हवा आ रही है। भाई पूरा कांप गया हमारा शीशा, तो हम कांपते कि नहीं कांपते पता चल जाएगा अभी आपको कुछ ही देर में। भाई साहब क्या तगड़ा बारिश आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग सो गाइस जो हमारा टेबल जो आया था उसको हम लोग रिपेयर नहीं कर पाए थे, मतलब जोड़ नहीं पाए थे, तो उसके लिए हम लोगों ने मंगाया है एक मैकेनिक। तो गाइस वो आ चुका है आज।
तो गाइस कुछ टेबल ऐसा लगेगा। तो गाइस ये रहा हमारा नया टेबल, बहुत ही सुंदर लग रहा है, यहाँ पे एकदम फिट बैठ गया है। इसमें देखिए शेल्स भी है बहुत अच्छे से रखने के लिए। गाइस ये देखिए मैंने प्रेम को ये टास्क दिया आटा लगाने का, इसमें ये है एक्चुअल किसका आटा, आप खुद ही गेस करके बताइए। ये है आपका पिज्जा का आटा, ये बोला कि ये काम मैं करूंगा क्योंकि इसको भी खाना है तो इसको भी कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये अभी हम लोग इसमें यीस्ट डाल के बनाए, इसलिए इतना स्ट्रेची हुआ है, ये फिसल जाएगा। देखिए गाइस इतना अच्छा हुआ है ना, ये एक्चुअल में ऐसा एकदम नहीं था, बहुत स्टिकी था, अभी इतना बार नीट करने के बाद ही ऐसा हो गया। और गाइस ये देखिए अखिल भैया को, अखिल भैया भी शो देखने के लिए आ गया है हमारे घर पे। और गाइस हम लोग दोनों यहाँ पे अभी इस घर का मास्टर शेफ बन के रखे हैं। ये मेरा शेफ है, हमें हाथ है शेफ, और मैं ऑर्गेनाइजर करने वाला, मैं ऑर्गेनाइज करने वाला। और गाइस ये इससे हम लोग अभी थोड़ा सा नीड ऑफ दे देंगे अगर लास्ट में हुआ तो। गाइस प्रेम और मैंने मिलके फाइनली डो को बना लिया, ज्यादातर ये इसलिए नीड किया है डो को। और देखिए गाइस ये हमारा डो रेडी है, अभी हम लोग ने इसको ऑयल कर लिया यहाँ पर, और अभी हम लोग अपने डो को इसके अंदर अच्छा से डालेंगे। और डो अगर बेस्ट है तो मतलब कि इसको ऐसे प्रेस करने से देखिए बाउंस कर रहा है, मतलब कि हमारा डो एकदम बेस्ट हुआ है। देखिए बाउंस कर रहा है, देखिए देखो, देखिए बाउंस कर रहा है ना डो हमारा, रिटर्न आ रहा ना। हाँ मतलब कि ये डो बेस्ट है। अभी हम लोग उसमें थोड़ा सा, हमने छोटा वाटर ही लिया, इतना बड़ा हम लोग को नहीं चाहिए ऑलिव ऑयल, ट्राई करने के लिए मेरे को मुश्किल से मिल गया इतना सा ऑलिव ऑयल बोल के मैं लिया है। तो गाइस अभी ये प्रेम ने ले लिया मुझे छीन छान के, और अभी ये करेगा इसको खोलेगा, फटा तो तुम देख लेना, नहीं फटेगा मुझे फाड़ दिया तुम। गाइस देखिए धीरे धीरे डो बड़ा हो रहा है हमारा। तो गाइस ये हम लोग ने थोड़ा सा और इसको और लुक देने के लिए क्लिंग रैप पेपर भी लगा दिया हमने। तो गाइस देखिए ये असल में आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, पर असल में आप देखिए क्लिंग रैप पेपर है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग आज बनाने जा रहे हैं पिज्जा, और सब मेरी मेहनत से। सारा मेहनत तो तुम्हें क्या, हम तो कुछ मेहनत ही नहीं किया। ओनली ये यूट्यूब से देख देख के मुझे कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हम लोग आज बनाने वाले हैं पिज्जा, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और पिज्जा गाइस चीज पिज्जा बनाएंगे हम लोग, गोल्डन चीज पिज्जा। तो गाइस हमने डो को रख दिया, बस इतना ही बात बोलना था, ये एक्स्ट्रा अपने बकवास किया जा रहा है। हमने डो को सेट होने रख दिया है, अभी होप सो डो हमारा डबल हो जाएगा। तो गाइज अभी शाम हो चुकी है, और गाइज अभी टाइम हो चुका है पिज्जा को देखने के लिए, और इसको अभी फाइनल हम लोग बनाने वाले हैं। ये देखिए गाइज ये हमारा पिज्जा, इसका जो प्रूफिंग है वो हो चुका है डोको। तो गाइज अभी फाइनली मैंने पिज्जा को डोको हाथ से ऐसे ऐसे करके बना लिया ऐसे, क्योंकि इसको पेन से रोल नहीं किया जाता है तो थोड़ा सा शेप खराब है, कोई नहीं। और ये हमारा मेज फ्लोर है, और अभी हम लोग स्वीट कॉर्न को बॉइल कर लगाने लगा। कलर नहीं आया पर सीख चुका ही है, अभी हम लोग अपने दादी लोग को दे रहे हैं और मम्मी को टेस्ट करेंगे देते हैं, और उन लोगों का ओपिनियन देखते हैं कैसा है। दादी लोग ये लेके एक बाइट लेके बताओ कैसा है। बना लिया हाँ। हो गया के हाँ? हम लोग ले ना पहले, हम लोग भी लेगा, आप लोग खाओ पहले, आप लोग को भी राय लेगा ना। यहाँ से बढ़िया दादी, कैसा लगा दादी? एकदम बढ़िया लगा दादू। अभी गाइस असली बात तो हम लोग को खुद को खा के पता चलेगा, इन लोग तो बढ़िया ही बोलेंगे। मम्मी एक बार आप खा के बताओ, ये लो लाभ मेरे हाथ से खाओ। अरे मम्मी तो, मम्मी तो शेफ वो बन गए, क्या बोलते उसको शेफ वो, क्या ना उसका रणवीर अच्छा बना है, थोड़ा पिज्जा सॉस बेसी हुई है ना, उसका भी मेहनत है आज। कैसा लगा? ओके तो गाइस बहुत ही अच्छा बना है, बस वही बात है थोड़ा सा मतलब डोमिनोज वाला फीलिंग नहीं आता है हाँ। लेकिन सब अच्छा है। पर ये देखिए गाइस ये ब्रेड देखिए कितना अच्छा हुआ, एकदम फ्लफी भी हुआ है ब्रेड, मतलब इसी के डरते कि कच्चा ना रह जाए, देखिए होल्स अंदर में इतना अच्छा हुआ है ना।
बहुत ही अच्छा हुआ है, ब्रेड हुआ है पूरा, लेकिन बेस्ट हुआ है, बेस्ट ये भी खा सकते हैं हम लोग, चिंता बात नहीं है, इसका पीछे का बीफ भी खा सकते हैं। A few moments later. So guys, अभी रात हो चुकी है और अभी मौसम जो है ठंडा ठंडा मौसम है बारिश होने के बाद। So guys, अभी इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल में तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो देखिए गाइस ये मोटी भैंस को। तो गाइस अभी 10 बज रहा है, हमारा फाइनली पूरा प्रिपरेशन खत्म हो चुका है और ढोसा खाने के लिए एकदम 10 बज रहा है, 10 देखिए गाइस 10 बज रहे हैं ना।